जैसलमेर चमत्कारी और आस्था का प्रतीक है चुंदी गणेश मंदिर। चुंदी गणेश की एक छोटी सी पूजा से सच हो सकता है घर का सपना। संस्कृति और परंपरा के निर्वहन को लेकर अपनी खास पहचान बनाने वाले जैसलमेर जिले में अद्भुत गणेश जी की बड़ी मान्यता है। जैसलमेर के लोगों की इस गणेश की प्रति आस्था देखते ही बनती है। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर चुंदी स्थान पर गणेश जी का मंदिर है। कोई शताब्दी से अधिक इस पुराने मंदिर के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। चुंदी गणेश के नाम से मशहूर ये स्थान रमणीक स्थान है। यहाँ बुधवार को पूरा शहर दर्शनार्थ आता है। चुंदी गणेश को न केवल चमत्कारी माना जाता है अपितु उस गणेश की आराधना करने वालों की मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती है। गणेश मंदिर स्थानीय नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित है। बरसात के दिनों में ये मंदिर पानी से डूब जाता है। इस मंदिर के आसपास नदी क्षेत्र के पत्थर हैं। गणेश जी का छोटा सा मंदिर है जहाँ गणेश जी की मूर्ति विद्यमान है। मूर्ति के ठीक सामने मूसक की मूर्ति है। बेहद आकर्षक चुंदी गणेश जी की मूर्ति अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ दर्शन करने वाला हर शख्स मंदिर के आसपास बिखरे पत्थरों से अपना मकान घर बनाकर जाता है, इस कामना के साथ कि उसका स्वयं का मकान जल्दी बने। गणेश जी मकान बनाने वालों की कामना जल्द पूर्ण करते हैं। मंदिर के दोनों ओर दो कुएं बने हैं। इसके बारे में मान्यता है कि इन कुओं में गंगा हरिद्वार का पानी आता है। एक किदवंती ये भी है कि एक श्रद्धालु के रिश्तेदार हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे थे और वह खुद चुंदी के इस कुएं के पास तपस्या कर रहा था। इसी दौरान उसकी रिश्तेदार के हाथ का कंगन गंगा में बह गया। ये कंगन श्रद्धालु को तपस्या के दौरान यहाँ मिला था चुंदी में। मान्यता है कि साल में एक बार इन कुओं में गंगा का पानी आता है। यहाँ एक छोटे से पत्थर से आपको मिल सकता है अपना मकान। एक छोटी सी पूजा से सच हो सकता है घर का सपना। जैसलमेर में गणपति का परम धाम है जहाँ पर आप अगर पत्थर से छोटा सा मकान बना दें तो आपको अपना मकान मिलते देर नहीं लगेगी। इस मंदिर के पुजारी महाराज ने बताया कि 1470 वर्ष पुराना ये मंदिर कई ऋषियों की तपोभूमि रहा है तथा जैसलमेर के लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर बुधवार को हजारों दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और भादवा चतुर्थी को भव्य मेले का आयोजन भी होता है। चुंदी गणेश जी की एक ये खास बात है कि अपने भक्तों को निराश नहीं करते, उन्हें अपने मकान सपनों का घर बनाकर देते हैं। एक दर्शनार्थी का कहना है कि यहाँ काफ़ी पुराना मंदिर है और इसकी मान्यता है यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वे नदी के पत्थरों से घरौंदा बनाते हैं और उसके बाद उनकी मनोकामना के अनुसार उन्हें जल्द ही सपनों का घर मिल जाता है। जैसा भी हो चुंदी गणेश जी अपने भक्तों को निराश नहीं करते और जब घर बन जाता है तो वे भगवान का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूलते। यहाँ आकर मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसलमेर से नवीन वाडवाणी की रिपोर्ट। गजानन जी का जो मंदिर है चुंदी गणेश जी का ये लगभग 1470 वर्ष पुराना है और यहाँ पर चवन ऋषि जी ने तपस्या किया था। 400 से 500 वर्ष यहाँ पर तपस्या किया, इसलिए इस स्थान का नाम चुंदी गजानन जी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ विशेष मान्यता है हमारे मंदिर में, जो भी भक्त आते हैं और अपना पत्थरों से मकान बना करके जाते हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि उनके घर मकान जो भी श्रद्धा से बना करके जाते हैं उनके जो है तो घर बनते हैं और वापस दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। और इस मंदिर में ऐसे तो 400-500 दर्शनार्थी रोज आते हैं दर्शन करने के लिए, पर विशेष बुधवार को 2500-3000-4000 यहाँ दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए और दर्शन कर करके वापस जो तो अब यहाँ बैठते हैं और दिव्य स्थल बना हुआ है। जो भी भक्त आते हैं अपने टिफिन लेकर के आते हैं तो यहाँ बैठ करके प्रसाद लेते हैं। और भाद्रव की जो चौथ आती है गणेश चतुर्थी को वहाँ उस समय यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और गणेश जी का मेला लगता है गणेश चतुर्थी में, तो विशेष लाइट और झूले की व्यवस्था रहती है और मेले का भव्य रूप दिया जाता है यहाँ पर। और लगभग उस दिन 1,00,000 से 1,25,00,000 लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह 5 बजे से दर्शन शुरू होते हैं। जो पैदल यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए वो 4 बजे जैसलमेर से रवाना हो जाते हैं और फिर यहाँ जो है तो 7:15 बजे जो आरती होती है गजानन जी की उसमें आरती सम्मिलित होती है। चुंदी गणेश एक आस्था का प्रतीक है। पिछले 1300-1350 साल का इसका इतिहास है और एक ऐसा गजानन का मंदिर यहाँ जैसलमेर की जनता ये बोलती है कि नदी के बीचों बीच और एक ऐसी भव्यता लिए हुए अपने आप ही स्वतः ही कोई ऐसा स्टैच्यू जिसको भगवान गजानन जी का स्वरूप मिल गया,
और लोग यहाँ आते हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ के मकान बनाते हैं। मकान बनाने के बाद उनकी ये मान्यता रहती है कि हमने यहाँ छोटा सा मकान बनाया तो हमारा एक महल बन जाएगा। अब जैसा भी भगवान गजानन चाहता है बनता जरूर है।